हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाइट में। मित्रों, हम लोग आजकल जान रहे हैं यूपी बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां, जिसमें ये भी एक वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको सभी लोग आप सभी पूरा देखें। आइए जानते हैं यूपी बीएड के बारे में कम्प्लीट जानकारी हम लोग जानेंगे। एक बार पहले भी हम लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, इसी पर आधारित वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को जरा हम लोग देखेंगे डिटेल में, जानेंगे रिजल्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग, शैक्षणिक सत्र, काउंसलिंग फीस और डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट क्या क्या इसमें लगने वाला है और कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होने वाली है और कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। आइए एक बार फिर से डिटेल में हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं क्या कैसे होने वाला है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका रिजल्ट जो है 27 अगस्त को आने वाला है, बता चुका हूँ मैं एक बार। ऑनलाइन जो काउंसलिंग होने वाली है दोस्तों, ये 1 सितंबर 2021 से होने वाली है। और संक्षेप में यहाँ पे जानते हैं, शैक्षणिक सत्र जो है 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग फीस जो यहाँ पे रहने वाली है 5750 रुपये होने वाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5750 है दिया गया है जो कि। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, अभी हम लोग काउंसलिंग फीस के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले एक नज़र से देख लेते हैं क्या है डॉक्यूमेंट में। आप सभी का 10th 12th और ग्रेजुएशन की वो फोटोकॉपी लगने वाली है, मार्कशीट की, और 3 फोटो लगने वाले हैं। और बैंक अकाउंट, हाँ दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट इसलिए मांगा गया है, यहाँ पे अगर आपकी काउंसलिंग नहीं होती या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट मिलता है, आप नहीं करना चाहते हैं बीएड, तो जो आपकी फ़ीस है 5000 वापस हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे 5750 इसीलिए दिया गया है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग फ़ीस जो है 750 रुपये ही लगने वाली है। जो ये 5000 रुपये हैं ये आपकी फ़ीस में ऐड हो जाते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं। मित्रों, आगे हम लोग सभी प्रकार की जानकारियों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं, देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग यूपी बीएड जेई रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ मार्क्स और मेरिट क्या है, और स्कोर कार्ड के माध्यम से हम लोग बताएंगे पिछली बार कैसे कितनी क्या मेरिट गई थी और कितनी मेरिट पे कितने अंकों पे कितने रैंक बनी थी, सभी प्रकार की बारीकियों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं यूपी बीएड जो अब की बार कट ऑफ होने वाला है, यानी कि 2021 में जो कट ऑफ बनने वाली है। दोस्तों बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से आइए प्रकाश डालते हैं इस बात पे, जर्नल की कट ऑफ जो होने वाली है दोस्तों, इसमें अगर बात करते हैं तो 235 से लेकर 245 तक हो जाएगी यहाँ पे जर्नल की। और ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो 225 से 240 के बीच में हो जाएगी। और एससी एसटी के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे 215 से 230 तक हो जाएगी। आइए आगे स्कोर कार्ड के माध्यम से हम लोग जानते हैं पिछली बार कितने नंबर कैसे क्या हुआ था, आइए देखते हैं। जो ये, हाँ ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्कोर कार्ड है पिछली बार का 2019 या 20 का, कैसे 20 का है फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल कैंडिडेट नेम हाइड कर दिया गया है, रोल नंबर भी हाइड कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर वन पेपर टू के मार्क दिए गए हैं, पेपर वन में इन्होंने स्कोर किए हैं 35.333। और आगे बात करते हैं पेपर टू की बात की, अगर मार्क्स के बात बारे में जानते हैं तो यहाँ पे 18.667 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं। बात करते हैं इनके टोटल मार्क्स जो बने हैं, 54 मार्क्स इन यहाँ पे टोटल बन चुके हैं यहाँ पे। इनकी जो रैंक है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई है दोस्तों, बता सक अंदाज़ा लगा के आप लोग जान सकते हैं इनकी रैंक कितनी रही होगी दोस्तों। इनको अगर मिला होगा तो प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट जाने वाली है एससी एसटी की, वो पिछली बार भी 220 से एबव गई थी, और जनरल की जो 240 यानी 240 से एबव गई थी। और आगे और बात करेंगे डिटेल में, एक और दिखाएंगे आप लोगों को स्कोर कार्ड, जिससे आप लोगों को पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं 2020 का है टोटल, यहाँ पे दिया गया है टॉपर की लिस्ट दी गई है और कितने अंक कैसे क्या हुआ, आइए जानते हैं यहाँ पे विश्लेषण करते हैं पूरा। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग जल्द होगी कुलपति, यहाँ पे 2020 का है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ बाय नेम दिया है और उनकी अंक भी दिए गए हैं और यहाँ पे रैंक भी दी गई है। फर्स्ट रैंक जो आई है दोस्तों, ये टॉपर बने हैं, ये पेपर का कटिंग है, यहाँ देख सकते हैं पंकज कुमार फर्स्ट रैंक थी, जो कि जिनके नंबर थे 299.333 या ये जो हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं
जो कि अपना ही डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों जो सेकंड रैंक आई है यहाँ पे अजय कुमार जी की आई है, 295 नंबर हैं इनके। ये सीतामढ़ी बिहार से हैं, सीतामढ़ी जो कि बिहार में पड़ता है। और थर्ड रैंक की अगर बात करते हैं अमर सिंह, जिनके नंबर हैं 294.666, ये आजमगढ़ से संबंधित हैं। बात करते हैं आगे फोर्थ रैंक के बारे में, मनीष मिश्रा जी हैं, ये 293.333, ये जो कि हैं झांसी से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो हैं सुयश दीक्षित, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, सुयश दीक्षित जो हैं 291.334 हरदोई से हैं। और आगे बात करते हैं छः नंबर पे प्रशांत यादव जो कि 290.667 नंबर हैं, ये गाजीपुर से संबंधित हैं। आइए बात करते हैं सेवन्थ, ओम भुवन राय 290 देख सकते हैं, लखनऊ से हैं। और आगे बात करते हैं एट्थ नंबर पे आजम खान 288 नंबर मेरठ से, नेहा अग्रवाल 288 नंबर फिरोजाबाद, और 10 नंबर पे राम अवतार 287.666 आगरा से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे इसी आधार पे आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं कितनी कट ऑफ जाने वाली है, पेपर के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर कितना टफ था, जैसा कि सभी लोगों ने रिव्यू दिया है। पेपर इजी मॉडरेट बताया गया है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी बताया गया है पेपर में। जो मैंने बताई है बात कट ऑफ की, वो वैसे ही लगभग होने वाली है, अनुमान लगाया गया है यहाँ पे। और मित्रों अगर 240 जर्नल का प्लस आता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 100% चांस बनते हैं। दोस्तों अगर OBC की बात करते हैं तो उस पर भी बात कर चुके हैं हम लोग, 230 से 240 या 45 के बीच बन जाते हैं। और SC ST के बारे में बात कर ली गई है हम लोगों ने, SC ST में जो है 215 से 225 या 30 तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब और शेयर करें वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।